हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल फॉर यू। सो क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1 के बारे में फिजिक्स में, और लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था मैटर के बारे में, बात किया था स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, बात किया था उसके मॉलिक्यूलर मॉडल के बारे में, बात किया था काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक थ्योरी के बारे में बात किया था। ठीक है, ये सारी बातें हो चुकी थी। आज हम लोग जो बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट के बारे में बात करेंगे। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है कि जब मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो, यदि एनर्जी उसको सप्लाई किया जाए तो। सो कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी दैट इज हीट इज नोन एज चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं। अब कैसे कन्वर्जन होता है और क्या क्या उसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व है वो हमें समझना है। तो मैं एक ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं, उसको जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, फिर सारे प्रोसेस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ब्लॉक डायग्राम क्या कहता है? एक ब्लॉक बनाते हैं। इस ब्लॉक में मेरे पास क्या है? इस ब्लॉक में मेरे पास है सॉलिड। इसमें क्या लिख देते हैं? सॉलिड लिख देते हैं। ठीक है, ये है सॉलिड। फिर इस ब्लॉक को मैंने एक एनर्जी दिया डेल्टा, मतलब क्या बता रहे हैं? डेल्टा मतलब हीट एनर्जी दी है। तो ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक एग्जांपल लेके चलेंगे, ये है लिक्विड, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड। और फिर लिक्विड को भी मैं एनर्जी दिया, हीट एनर्जी दिया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। किसमें कन्वर्ट होता है? गैस में। डेल्टा एच हीट एनर्जी। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये यहां पर क्या है? आइस है। आइस को हीट करते हैं तो क्या होता है? वाटर। और वाटर को अगेन हीट करते हैं तो क्या बनता है? वेपर। क्या बनता है? यानी कि ये क्या था? ये सॉलिड फॉर्म में था, उसको एनर्जी मिला तो हो गया लिक्विड फॉर्म में, उसको एनर्जी मिला तो हो गया गैसियस फॉर्म। अब ये यहां से यहां कन्वर्ट हुआ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। इसको बोलते हैं बॉइलिंग। और एक प्रोसेस और होता है जिसमें लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है, उसको इवापोरेशन बोलते हैं। Evaporation. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है ना कि सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाता है? गैसियस फेज में चला जाता है। सॉलिड से डायरेक्ट क्या होता है? लिक्विड फेज में नहीं कन्वर्ट होगा, गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। अब बात करेंगे सब्लिमेशन किन किन में होता है। फिर हम क्या बोले कि गैस से डायरेक्टली सॉलिड हो जाए, गैस से क्या हो जाए? डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। ठीक है, अब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हुआ है, तो क्या गैस से लिक्विड होता होगा? एकदम रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें से हीट निकाल लिया जाए, अभी तो हीट दिए थे तो लिक्विड से गैस हो गया, अब गैस के मॉलिक्यूल से हीट निकाल लिया जाए तो वो लिक्विड हो जाता है, और इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और फिर लिक्विड से सॉलिड, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। तो यानी हमारे पास कितने प्रोसेसेस हैं, यदि उसको समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर सॉलिड से गैस, या फिर गैस से सॉलिड कैसे कन्वर्जन हुआ। तो एक एक करके प्रोसेस के बारे में लिखते हैं। पहला मेरा है मेल्टिंग, दूसरा मेरा है बॉइलिंग, ठीक है, तीसरा मेरा है फ्रीजिंग, चौथा मेरा है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, पांचवा सब्लिमेशन, और छठा डिपोजिशन। अब एक एक करके इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे, यानी इतने ही चीज को हमें समझना है इस पूरे चेंज ऑफ स्टेट। चलिए एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं। यही के बारे में जब बात करते हैं तो मेल्टिंग का मतलब क्या हुआ कि अच्छा देखते हैं सॉलिड के बारे में। जब हम बताए थे तो क्या बताए थे कि सॉलिड का मॉलिक्यूल्स क्या होता है? कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। क्या होता है?
कॉम्पैक्टली अरेंज होता है. सॉलिड का मॉलिक्यूल्स क्या है? कॉम्पैक्टली अरेंज. और इसके पास क्या होता है? लीस्ट काइनेटिक एनर्जी. क्या होता है? लीस्ट काइनेटिक एनर्जी. बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होता है. तो अब जरा देखते हैं कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी कम था, ये पास पास में मॉलिक्यूल्स थे, मैं इसको हीट दूंगा तो क्या होगा? तो जब मैं हीट दूंगा तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? वाइब्रेट करना शुरू करेंगे अपने मेन पोजिशन. बहुत ज्यादा हीट देंगे तो ये क्या करेगा? बहुत ज्यादा हीट मिलने पे ये क्या करेगा? हमने ये भी बात किया था कि ये पास पास क्यों है, क्योंकि इनका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है. तो जब मैं बहुत ज्यादा हीट एनर्जी दूंगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये क्या होगा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाएगा, और एक लेवल ऐसा आएगा कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो पास पास में थे वो दूर दूर हो जाएंगे. तो जब दूर दूर हो जाएगा तो किस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचेंगे? लिक्विड में. लिक्विड में भी तो हम लोग पढ़े थे ना कि वहां पर दूर दूर होते हैं और वहां पर सॉलिड से कम होता है. तो जब ये कम होते होते सॉलिड वाले कॉन्फ़िगरेशन में, सॉलिड वाले से लिक्विड वाले कॉन्फ़िगरेशन पहुंच गया. सॉलिड वाले में पास पास था, ये कम होते गया, हीट दिया तो विग्रेसली वो क्या वाइब्रेट करना शुरू किया. वाइब्रेट करना शुरू किया तो वो एनर्जी लेकर दूर जाना चाहेगा. अब दूर जाना चाहेगा तो वो एनर्जी लिया मॉलिक्यूल और दूर होना शुरू कर गया. दूर होते होते उस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचा कि लिक्विड वाले कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच गया, जितना दूर पे लिक्विड बन जाना चाहिए. तो ये सॉलिड क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा इस हीट एनर्जी से, हीट एनर्जी को लेके. और उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? इस सॉलिड के मॉलिक्यूल से ज्यादा हो जाएगा. अगेन जब लिक्विड में पहुंच गया तो यानी कि जब मैं सॉलिड से लिक्विड में ले जाऊं हीट एनर्जी देकर, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग. इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? मेल्टिंग. और मेल्टिंग हर ऑब्जेक्ट का एक फिक्स्ड होता है, हर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, यानी कि उतना एनर्जी के बाद ही वो मेल्ट करना शुरू होगा. क्लियर है? यानी कि उतना एनर्जी मैं दूंगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा उतना कि वो लिक्विड कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाए, तभी वो मेल्ट होके नेक्स्ट फेज में या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा. अब लिक्विड में क्या है? मीडियोकर होता है, बीच बीच का होता है. इंटरमोलिकुलर फोर्स भी सॉलिड से कम होता है लेकिन गैसेस से ज्यादा होता है. अब इसको और एनर्जी दे रहे हैं, वाटर में कन्वर्ट हो गया, इसके बाद भी मैं हीट कर रहा हूं. तो जब मैं इसको हीट करूंगा तो कुछ हद तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा. क्या होगा? कुछ हद तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और एक पॉइंट होगा जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. उस पॉइंट तक क्या होगा? ये उस एनर्जी को लेकर अपने आप को दूर करने का कोशिश करेगा मॉलिक्यूल्स. और जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर गया, अबव गया, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा, तो वो अपने आप को इतना दूर कर चुका है कि वो गैसियस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच गया है. इतना दूर कर चुका है कि वो गैसियस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच चुका है. तो जब एक बार गैसियस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच गया तो क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा. तो जब मैंने हीट दिया तो मेल्टिंग पॉइंट पे वो मेल्ट किया और बॉइलिंग पॉइंट पे वो बॉइल हुआ. एक बॉइलिंग पॉइंट फिक्स पॉइंट है, वो कहां पहुंच गया? गैसियस कॉन्फ़िगरेशन में अपने आप को उतने काइनेटिक एनर्जी उसको मिल गया कि गैसियस कॉन्फ़िगरेशन का काइनेटिक एनर्जी को वो पा लिया, तो गैस में कन्वर्ट हो जाए. कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि जिनका वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है. जब उनको एनर्जी मिलता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर वो क्या होते हैं? डायरेक्टली गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे जैसे इनकैंडेसेंट, हम लोग जो धूप बत्ती दिखाते हैं ना, उसमें क्या होता है? लिक्विड में कन्वर्ट होता है क्या? नहीं होता. इंसेंस स्टिक्स, वो डायरेक्टली क्या होता है? वेपर. तो वहां तो हीट दिए. कुछ चीज होता है जो रूम टेम्परेचर पे ही वेपर में कन्वर्ट होता रहता है, जैसे कैम्फर. कैम्फर का छोटा सा गोली जो हम लोग रखते हैं कपड़ा में भी, ताकि डिसइंफेक्टेंट के रूप में, तो वो अपने आप को वेपराइज करते रहता है एटमोस्फेयर से हीट लेके. तो वहां पे क्या होता है? वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फेज में जाता है, लिक्विड फेज में नहीं जाता. जहां पे बहुत ज्यादा कूलिंग है, अब देखो यहां क्या कर रहे थे? हीट दे रहे थे, तो ये वाला प्रोसेस ऐसे गया. अब हीट लेने वाले प्रोसेस में आते हैं, ऐसे वाले. जब मैं गैसियस मॉलिक्यूल से हीट एनर्जी ले लूं, जैसे ऊपर में क्या होता है, यहां से वेपर बन के गया, ऊपर में कंडेंसेशन होता है, मतलब क्या? कूलिंग होता है. उस ये जो वेपर बन के गया है, इसका कूलिंग होता है, और कूल होकर क्या होता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. तो कूलिंग का मतलब क्या है? कूलिंग प्रोसेस का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी का निकाल के बाहर करते हैं. फ्रिज यदि कूलिंग करता है तो फ्रिज क्या करता है? अंदर के सब्सटेंस के हीट एनर्जी को निकाल के बाहर फेंक देता है, तो अंदर ठंडा हो जाता है. कूलिंग का मतलब क्या होता है? कि उसके अंदर के हीट एनर्जी को निकाल दिया जाता है. तो जब गैस के अंदर के हीट एनर्जी को निकाल दिया जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं. नेक्स्ट, जब लिक्विड में भी कुछ एनर्जी है तभी तो दूर दूर है. जब लिक्विड में से एनर्जी लेंगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कम होगा और मॉलिक्यूल क्या आएगा? पास आएगा. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा. तो लिक्विड से जब मैं एनर्जी निकाल लूं, जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उसके पास है, वो एनर्जी निकाल लूं हीट एनर्जी, तो वो सॉलिड या आइस में कन्वर्ट हो जाता है.
कुछ चीज है जैसे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रहा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रहा है तो वो क्या होगा, वेपर से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। सबने बाहुबली मूवी देखा होगा और एक सीन था जिसमें कि वो पहाड़ से पूरा बर्फ ही निकल के नीचे आ जाता है, सैनिक उसको पकड़ने जाता है, तो उसमें आप लोग देखे होंगे पेड़ पे पूरा ऐसे लंबा 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 बर्फ का लटका रहता है। वो कैसे लटक गया भाई, उतना पानी तो ड्रॉप हो नहीं रहा, तो जहां पे वो वेपर फेज में था वहीं पे वो जम गया, तो जम गया तो क्या हो गया, क्रिस्टल टाइप में जनरेट कर देगा। तो इस प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं, यानी कि डिपोजिशन मतलब कि सडन कूलिंग से क्या होगा, वो लिक्विड फेज में ना जाके गैसियस फेज से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सॉलिड फेज में आ जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। क्लियर है इतना बात, यानी कि मेल्टिंग मतलब वो पॉइंट जिसपे वो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट होगा, उसको बॉइलिंग कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे एवापोरेशन भी लिखा, तो एवापोरेशन में भी क्या होता है कि वेपर फेज में ही कन्वर्जन होता है लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट, जरूरी नहीं है कि वो बॉइलिंग पॉइंट पे जाके ही वेपर फेज में कन्वर्ट हो, कोई भी एवापोरेशन हमेशा होते रहता है, ऑकर्स एट ऑल द टेंपरेचर, नेचुरली होता है, नेचुरल फिनोमिनन है। तो ये एवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही वेपर फेज में कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, एवापोरेशन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, एवापोरेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, एवापोरेशन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, टेम्परेचर पे, क्लाइमेटिक कंडीशन पे, इन सारी चीजों पे एवापोरेशन डिपेंड करता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस भी करेंगे जब हम एवापोरेशन और बॉइलिंग के बारे में बात करेंगे। अभी हम क्या बात किए, मेल्टिंग मतलब कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, बॉइलिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस बाय सप्लाइंग हीट एनर्जी बाहर से हीट दे रहे हैं, फ्रीजिंग बाय टेकिंग आउट हीट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड। अब जरा देखना कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वही फ्रीजिंग पॉइंट होता है। देखो ये क्या हो रहा है, जिस पॉइंट पे मेल्ट होगा उसी पॉइंट पे फ्रीज होगा। यदि मैं बोलूं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है, जीरो डिग्री, मैं बोलूं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है, जीरो डिग्री ही होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है, क्लियर। वैसे ही बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन पॉइंट भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 100 डिग्री पे बॉइल करा 100 डिग्री से ही कंडेंसेट होना शुरू होगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व थे चेंज ऑफ स्टेट में, और चेंज ऑफ स्टेट को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलने से वो दूर दूर हुआ, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हुआ, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होने की वजह से वो दूसरे फेज में कन्वर्ट हो गया, फिर वहां से तीसरे फेज में कन्वर्ट हो गया। इसको एक छोटा सा ग्राफ से भी हम लोग समझ सकते हैं, कैसे, जरा इसको आप लोग देखिएगा, ग्राफ देखिए, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग ग्राफ के बारे में बात करते हैं। मैं ग्राफ बनाता हूं, इसको पॉज करके आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, एक छोटा सा ग्राफ है, समझ में आ जाएगा। इधर ले लेते हैं टेम्परेचर, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इनिशियली जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, इनिशियली जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा कुछ पॉइंट तक, तो क्या होगा, मान लो कि बर्फ लिए, बर्फ को हीट एनर्जी दे रहे हैं, बर्फ पिघलना शुरू होता है, लेकिन क्या बर्फ का टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, क्या होता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता, जीरो डिग्री रहता है जब तक पूरा पिघलना है, यानी कि टेम्परेचर कुछ दूर तक तो कॉन्स्टेंट रहता है, उसके बाद इंक्रीज करना शुरू करता है, फिर क्या होता है, मान लेते हैं 100 है, जीरो डिग्री है, ये सर्टेन टेम्परेचर है, यानी ये क्या है, कह रहा है कि ये यहां से यहां तक में क्या बता रहा है कि चेंज हुआ, यहां से यहां तक में क्या होगा कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, एनर्जी, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा यहां से यहां तक, पहले एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो कोई टेम्परेचर में, पहले जो एनर्जी अब्सॉर्ब किया तो वहां तक क्या होता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं दिखेगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज दिखेगा 100 तक, और उसका 100 के बाद भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं दिखेगा। ये क्या कहना चाहता है कि जब मेल्ट होता है ना तो उस समय वो बहुत सारा एनर्जी मेल्ट होने के लिए अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने में लगा देता है, तो उस समय टेम्परेचर में बदलाव नहीं दिखता, एक बार टूट गया तो टेम्परेचर बदलेगा यहां से लेकर 100 डिग्री तक, एक बार बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो उसके बाद वो क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे भी वो उस एनर्जी को किस चीज में यूज कर रहा है, अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स को दूर दूर करने में, और दूर करने में, तो वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूं हीट एनर्जी, वो किस में यूटिलाइज हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स को रिड्यूस करने में, ताकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा सके, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में, ना कि टेम्परेचर को बढ़ाने में। तो इन बिटवीन में ही टेम्परेचर बढ़ता है 0 से 100 तक,
जीरो पे पहले क्या होगा, लैटेंट हीट, उसको क्या कहते हैं लैटेंट हीट, जितना हीट एनर्जी उसको चाहिए अपने मॉलिक्यूल को तोड़ के दूसरे फेज में जाने के लिए पहले उतना एनर्जी लेगा, टूट गया तो फिर क्या करेगा टेम्परेचर को बढ़ाएगा उसका 100 तक, एक बार 100 पे पहुंचा तो फिर वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। तो यहां पे मेरा होता है मेल्टिंग, यहां पे क्या लिख लें मेल्टिंग हुआ, और यहां पे क्या हुआ बॉइलिंग, क्या हुआ बॉइलिंग। तो यही था चेंज ऑफ स्टेट में, एक बार फिर से मैं छोटा बताता हूं, चेंज ऑफ स्टेट में कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, ठीक है, one form से another form में convert होना by taking energy, energy लेके उसमें हमारे पास melting है, boiling है, फिर उधर से energy को निकाल लिया जाए तो क्या है condensation है, freezing है, direct conversion को sublimation कहते हैं, किससे solid से gas, और gas से directly solid आने को क्या कहते हैं deposition कहते हैं। That's all, इस part में इतना ही करेंगे, फिर अब आगे हम लोग दूसरा part